अस्सलामुअलैकुम, लज़मत मोहम्मद इमरान में मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद इमरान। और स्पेशल यूट्यूब के ऊपर एक रिक्वेस्ट आई थी फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, फेसबुक एड्स के हवाले से। तो ये स्पेशल एक वीडियो है फेसबुक एड्स के लिए, एक स्पेशल मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। और इसका मकसद है कि आप फेसबुक के ऊपर स्पॉन्सर्ड एड कैसे चला सकते हैं और फेसबुक के ऊपर कैसे पब्लिसिटी कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि फेसबुक क्या है। फेसबुक बेसिकली आप ये समझ लें कि एक सोशल मीडिया है जो तकरीबन हर बंदा 40 मिनट फेसबुक के ऊपर गुजारता है। इसी तरह हर बंदा यूज़र का है और बहुत ज़्यादा इसका यूज़र है, जिसकी बेस पे फेसबुक ने एक एडवर्टाइजमेंट सिस्टम निकाला है कि आप उन लोगों तक अपना मैसेज पहुँचा सकते हैं पेड एडवर्टाइजमेंट से, जिन लोगों तक आप चाहते हैं कि आपको बिज़नेस मिले। तो ये बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इसमें पहले मैं आपको, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं इसके बारे में आपको बता दूं। शटरस्टॉक एक बहुत बड़ी इमेजेस की कंपनी है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपको फेसबुक के ऊपर एक बिज़नेस पेज क्रिएट करना होता है, ठीक है। जैसे ये देखें, ऊपर ये प्रॉपर लगा हुआ है, प्रॉपर इसका लोगो है, इसकी अबाउट अस की डिटेल है, उसके अलावा ये इसके इतने इसके फॉलोअर्स हैं, ये इनकी वेबसाइट है, प्राइवेसी एंड पॉलिसी है, ये डाटा डाल रहे हैं, ठीक है। ये है बिज़नेस पेज। ये बिज़नेस पेज कहाँ से बनता है? जस्ट आप पेज में जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं इस पेज पे जा रहा हूँ तो यहाँ से आप क्रिएट ए न्यू पेज कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ जाके आपने एक प्रोफेशनल लेवल का एक पेज देना है, जिसकी बेस पे आप एक नया कर सकते हैं, मसलन के आप यानी एक बिज़नेस पेज बना सकते हैं। वो आपकी बेसिकली एक किस्म की आपकी वो होगी, पहचान होगी। ये पेजेस में आ गए, ठीक है। ये क्रिएट पेज, यहाँ आप पेज का टाइटल देंगे, या आप कैटेगरी देंगे, या आप डिस्क्रिप्शंस देंगे। उसके बाद आपने इसी तरह डिस्क्रिप्शंस के बाद वेबसाइट देनी है, अपना ईमेल एड्रेस देना है, फ़ोन नंबर देना है, ये सारी चीज़ें ऑफिशियली आपने देनी है, ताकि अगले बंदे को, अगला बंदा जो विजिटर है, जो यूज़र है, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आके आपको ट्रस्ट कर सके आपके इसके ऊपर, फेसबुक पेज बिज़नेस पेज के ऊपर। अब जैसे ये है तो 99% लोग यहाँ पर ट्रस्ट करेंगे कि ये वाकई एक अथेंटिक कंपनी है जो काम कर रही है। तो ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले बिज़नेस पेज ज़रूरी है। मैं अगर बिज़नेस पेज पे लग गया तो आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट वीडियोस के अंदर ही आपको समझा पाऊँ कि हम एक बिज़नेस मतलब कैसे कंपेन स्टार्ट करते हैं। तो हम गूगल पे जाके जस्ट लिखते हैं गूगल में बिज़नेस या फेसबुक एड मैनेजर, जस्ट आप फाइंड आउट करें, ठीक है। तो ये देखें फेसबुक, और ये भी सेम चीज़ है, ठीक है। यहाँ से आप फेसबुक बिज़नेस पेज पे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से आकर आपने क्या करना है कि आपने एड्स पे आ जाना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ से क्रिएट एड्स के ऊपर आएंगे तो ये आपके पास गोल आ रहा है, लेकिन आप इसको इजी वे में जाने के लिए आप क्या करें कि आप यहाँ से गूगल माई बिजनेस पे जाएं, ठीक है। यहाँ से ये सारे ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, ये है एड मैनेजर, यहाँ से आप एड मैनेजर पे आ जाएं, ठीक है। एड मैनेजर पे आएंगे तो आपको और ज़्यादा आसानी होगी। जब आप एक नया फेसबुक पेज बनाए आईडी बनाते हैं तो उसको कुछ दिन आप इस्तेमाल करें और फिर उसके ऊपर ऐड चलाएं, वरना ऐड सस्पेंड हो जाता है। ये देखिए इतने ऐड्स मैं इसके ऊपर चला चुका हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी रनिंग अकाउंट था जो रिसेंटली मैंने बंद कर दिया। मेरा यहाँ पे मकसद है आपको एक वीडियो प्रॉपर चलाने का, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि मुझे आपको एक नई क्रिएट कंपेन बना के चेक करानी है। या हमारे पास ऑलमोस्ट 8-10-12 ऑप्शंस हैं कि इनमें से आप कौन सा करना चाहते हैं। अगर हम फेसबुक के ऊपर आते हैं तो नॉर्मली हम देखते हैं कि कौन से एड्स ज़्यादा चलते हैं, लेकिन ये फिर भी डिपेंड करता है
आपके बिजनेस के ऊपर कि आपका बिजनेस किस तरह का है, ठीक है, और आप किस तरह के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। मसलन मैं अगर बात करूं यहाँ पे किसी प्रोफेशनल कंपनी के बेच की, अब ये देखिए ये एक लेकिन इनका एड्स नहीं चल रहा कि मैं आपको समझा पाऊँ। आप वीडियो ऐड भी चला सकते हैं, इमेज ऐड भी चला सकते हैं, डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर कि आप किस तरह के चलाना चाहते हैं। ये भी एक ऐड चल रहा है, इमेज ऐड, ठीक है, और ये भी एक ऐड चल रहा है। ये शॉपिंग टाइप ऐड होता है जिसमें ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट्स या कैटेगरीज हैं तो आप चला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने करना क्या है कि मैंने ये करना है कि मैं आपको एक प्रोफेशनली एड कैसे डिज़ाइन होता है और हम किस तरह उसको टारगेट करते हैं, हम उसकी तरफ जाने वाले हैं, लेकिन साथ में आपको सिर्फ एग्जांपल भी दिखाने वाला हूँ कि हम किस तरीके का एड डिज़ाइन करेंगे और हम कैसे कर सकते हैं। जैसे ये एक वेबसाइट है, इमेज ऐड है, और इसके लिए जस्ट आपको एक बिज़नेस पेज चाहिए, लेकिन ये ट्रैफिक ऐड है। ट्रैफिक से मुराद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इनकी वेबसाइट पे चले जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये वाला ऐड चलाने लगा हूँ, इसको हम ट्रैफिक ऐड बोलते हैं। ट्रैफिक ऐड में आपके पास यहाँ पे आप अपना कंपेन नेम लिख देंगे, मसलन इमरान एड्स, ठीक है। और नेक्स्ट आपने क्या चीज़ करनी है, जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। कैटेगरी नॉट डिसाइडेड, ठीक है। कंपेन टाइप ट्रैफिक है, ठीक है। अच्छा, बजट आपने कितना रखना है जी, वो कम से कम $1 होता है, ठीक है। आप अपने बजट के हिसाब से रख सकते हैं, मसलन आप डेली का 500 रखते हैं, ठीक है, तो आपको जो रिस्पॉन्स भी मिलेगा लोग का वो भी कम से कम इसी के मुताबिक मिलेगा। यहाँ पे है कंपेन बिड स्ट्रेटजी, ठीक है। आप इसको लो या हाई भी कर सकते हैं, मैनुअल बिडिंग भी कर सकते हैं अगर आपने गूगल ऐड चलाया हुआ है तो, ठीक है, क्योंकि कुछ जगहों पे रेट ज़्यादा होता है तो वहाँ ऐड शो नहीं होता, तो लोएस्ट पे आप चला रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको हाईएस्ट भी कर सकते हैं। मेन जो चीज़ इसके अंदर है वो ये है, यहाँ ये ऐड आपको सारा शो होता रहेगा कि आप जो ट्रैफिक चाह रहे हैं वो वेबसाइट पे चाह रहे हैं, ऐप पे चाह रहे हैं, मैसेंजर पे चाह रहे हैं, व्हाट्सएप पे जा रहे हैं, या बंदा आपको कॉल करें। अब हम चाहते हैं वेबसाइट के ऊपर, जैसे सेम लाइक ये इसी की हम शटर स्टॉक की हम करना चाह रहे हैं, तो हमें वेबसाइट के ऊपर लेकर जाना है। ये शेड्यूल है कि आप कितने किस डेट से स्टार्ट करें, ठीक है, और एंड किस डेट को करें, ठीक है। मसलन तो आप कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ये ऑप्शनल है, या वैसे भी आप मैनुअली पॉज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ जो मेन चीज़ है देखने वाली वो है सबसे पहले लोकेशंस। लोकेशन में आपने देखना है कि आपको अपना ऐड कौन सी जगह पे चलाना है। पहले चार ऑप्शन समझने हैं, पीपल लिविंग और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं अभी आए हैं इस लोकेशन पे, पीपल लिविंग दिस लोकेशन मतलब जो आप लोकेशन टारगेट कर रहे हो उसके ऊपर परमानेंट जो लोग रह रहे हैं। तीसरा है कि रिसेंटली मतलब जो लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। फिर ट्रैवलिंग है, तो ऊपर ऑप्शन दो दे रहा है, रिसेंटली भी और लिविंग भी, यानी पहले भी रह रहे हैं और ऊपर से नए भी जो आ रहे हैं, ये सबसे बेटर है, ठीक है। मैं इसको इस्लामाबाद में चलाना चाहूँगा, ठीक है, और इस्लामाबाद में इसको कहाँ तक मैं चलाना चाहता हूँ, ये है 25 किलोमीटर का। 25 के बजाय अगर मैं इसको 30 करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर का एरिया आ गया। मज़ीद इसके अंदर भी साथ जैसे ये एरियाज़ आप पिन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जैसे इसको मैंने पिन कर दिया ये कि ये वाला भी एरिया उसके अंदर शामिल हो गया। नेक्स्ट आपके पास है एज। एज से क्या मुराद है कि जो लोग हैं वो कितनी से कितनी एज के लोग आपकी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। सपोज अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इसकी, तो वीडियोस बनाने वाले ज़्यादातर लोग 20 साल से, सपोज 40 साल तक हैं, ठीक है, और मेल फीमेल दोनों हैं, ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ आपने जो चीज़ देखनी है वो है कस्टम ऑडियंस, ठीक है। लेकिन इसके भी ज़्यादा मेन जो चीज़ यहाँ पे नीचे आपको पास मिलेगी, ठीक है, शो मोर डिटेल प्लेसमेंट, मैनुअल प्लेसमेंट। आप कहाँ कहाँ ऐड चलाना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे नहीं चलाना चाहते, मैसेंजर पे नहीं चलाना चाहते, फेसबुक ऑडियंस मैसेंजर और राइट कॉलम पे भी नहीं चलाना चाहते, वीडियो में चलाना चाह रहे हो या नहीं चलाना चाह रहे, आपकी मर्ज़ी है। ये सारे वो शख्स हैं जहाँ जहाँ ऐड शो होगा, ठीक है। तो जो आपको ऑप्शंस लगते हैं कि आप नहीं चलाना चाह रहे तो आप ना चलाएं, ठीक है। आप जस्ट अनक्लिक करेंगे तो वो वहाँ पे ऐड शो नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे एक जो चीज़ थी वो थी डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग आई थिंक यहाँ पर अभी तक ये ऑफ हुई हुई है। डिटेल टारगेटिंग से क्या मुराद है, आप किस कैटेगरी के लोगों को करना चाहते हैं। मसलन STUDENT स्टूडेंट्स, ठीक है, हमारे जो हम जो स्टूडेंट्स, ठीक है, उनको। उसके अलावा जॉब्स होल्डर, ठीक है, या फिर आप कहते हो एजुकेशन, EDU एजुकेशन, मतलब आप ठीक है। फिर उसके अंदर एजुकेशन के अंदर कॉलेज के लड़के जो है, ठीक है, किस किस कैटेगरी के लोगों को आप टारगेट करना चाह रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं डेथ में समझने वाली हैं। लोकेशन, एज, डिटेल टारगेटिंग और मैनुअल प्लेसमेंट कि कहाँ कहाँ आपका ऐड शो होना चाहिए। यहाँ आपको ये सारे एग्जांपल्स भी दिखाएगा, ठीक है। आपने स्टडी करके इसको थारोली फिर आपने इन सब पे क्लिक करना है और अनक्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम वो पेज सिलेक्ट करेंगे, जिस तरह ये पेज है आपका बिजनेस पेज बना हुआ, कि आपने कौन से पेज पे चलाना है। मसलन मैं यहाँ से अपना लगाता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है, और यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये मेरा पेज है, ठीक है। और मैंने क्या करना है यहाँ पे, सिंगल इमेज और वीडियो, दो ऑप्शंस हैं। आप वीडियो लगाना चाहते हैं या आप सिंगल इमेज लगाना चाहते हैं। तो ये एक वेबसाइट है invideo.io, इसके अंदर आप फेसबुक के इमेजेस भी बना सकते हैं। इसके 17 मिलियन कस्टमर्स हैं फेसबुक से रिलेटेड। आप यहाँ पे पोस्टें आसानी से फ्री में बगैर क्रेडिट कार्ड के डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मैं कुछ आपको एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ, वीडियो एड्स, ठीक है, किस तरह के आपके पास आएंगे अगर आप वीडियोस छोटी सी प्रोमो टैब बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो फेसबुक के ऊपर आप वीडियोस बनाना चाहते हैं या वर्टिकल या जिस साइज़ की भी बनाना चाह रहे हैं, आप यहाँ से वीडियो ये देखें, ये है, अब ये है फेसबुक की टाइप की वीडियोस, ठीक है। इनमें से आप किस टाइप की ये वीडियो, ये रोड ट्रिप से रिलेटेड है, ठीक है। तो इन टैबलेट्स को आप फ्री में इस्तेमाल करके वीडियो बना सकते हैं और अपन अपनी मर्जी की भी वीडियो डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा टूल है, ठीक है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो चीज़ कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है। इमेज और वीडियो है, कैजुअल जिसमें आपको 6-7 ऑप्शन मिले थे, कलेक्शन मज़ीद ज़्यादा, ठीक है, फुल स्क्रीन मोबाइल, ठीक है, ये सारे ऑप्शन हैं। यहाँ से आप वीडियो क्रिएट भी कर सकते हैं, ये भी फेसबुक ने एक नया अच्छा ऑप्शन निकाला है। मैं क्या करने वाला हूँ कि मुझे यहाँ से, अब आपको इमेज किस तरह का लगाना है, ये बिल्कुल इस तरह का लगाना है जिसमें आपको टोटल 10% टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। मसलन मज़ीद अगर मैं किसी प्रोफेशनल कंपनी के ऐड की तरफ जाऊंगा, लोकल या किसी लोकल पाकिस्तानी की तरफ नहीं जाऊंगा, इंटरनेशनल जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, जैसे अब ये देखिए ये वीडियो चला रही है, छोटा सा वही चीज़, ठीक है। ये वो जो आपने ज़्यादा ऑप्शंस देखे हैं जिसमें आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए ये भी वीडियोज़, क्योंकि आजकल थोड़ा सा वीडियो की वजह से ये होता है कि लोगों को थोड़ी सी आसानी से बात समझ में आ जाती है, ठीक है।
तो इस वजह से लोग लगाते हैं। अब मैं मज़ीद किसी अच्छी वीडियो की तलाश में हूँ आपका टाइम वेस्ट किए बगैर, ठीक है। सपोज़ अगर आप ये देखें ना कितना प्यारा ये इमेज बना हुआ है, इस तरह का भी आप अगर आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आप इस तरह का वीडियोस बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ये देखें वीडियोस हैं। वीडियोस इस वजह से कि पहले इमेज ज़्यादा चलते थे, अब वीडियोस ज़्यादा चलती हैं, लोगों का ध्यान, जैसे अब ये देखें ये वीडियो है जिम बिल्डर की, ठीक है। अब मैं इसको डाउनलोड करता हूँ और इसी को लगाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं अपलोड करने वाला हूँ डाउनलोड करके, और यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास वीडियो किधर गई। अब ये वीडियो अच्छी वो नहीं हो रही, लेकिन इन्होंने बहुत प्यारा बनाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि वीडियो का स्कोप बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये मैं बता रहा हूँ कि आप प्रोमो बनवाएं और थोड़ा प्रोमो बनवा के लगाएं। लेकिन मैं फ़िलहाल एग्जांपल के तौर पर समझाने के लिए यहाँ से एक इमेज लूँगा, और ये मैंने लगा लिया, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ टेक्स्ट यहाँ पे पाकिस्तान डे सेल, अप टू 50% ये डिस्काउंट ऑफर, ठीक है जी। अच्छा जी, मेरे पास अब यहाँ से किधर गया है ऐड, ठीक है, और मेरे पास सिंगल इमेज ऐड है, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको ख़त्म करने वाला हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं, स्टोरेज पे भी आ रहा है, ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ऐसे क्यों दे रहा है ये देखना ज़रूरी है। पाकिस्तान डे सेल, ठीक है, ये चीज़ आ गई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप अपनी वेबसाइट दे सकते हैं, इस जगह पे आपकी वेबसाइट का यूआरएल आ जाएगा, ठीक है, वेबसाइट दें या अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल, लेकिन लैंडिंग पेज ठीक होना चाहिए, जो आपकी वेबसाइट को का रेलिवेंट पेज है जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। यहाँ आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं, आप डाउनलोड है, कॉन्टेक्ट अस है, ठीक है, आप बेसिकली अब ये शॉप है तो इसके लिए आप शॉप नो कर देंगे या ऑर्डर नो कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि ये जो टेक्स्ट है आप इसको उर्दू में लिखें, ठीक है, तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा बनिस्बत इंग्लिश के, ठीक है। यहाँ आप उस यूआरएल को दोबारा दे दें, ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट आपका सारा प्रोसेस हो चुका है, लेकिन इसमें दो से तीन चीज़ें जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह का वीडियो लगाएं, ऊपर डिस्क्रिप्शंस लिखें, और अगर आपने इमेज लगाना है तो फिर मैं आपको एग्जाम्पल मज़ीद दे रहा हूँ कि आप किस तरह का ऐड बना के लगाएँ। यहाँ से मैं आपको एक प्रोफेशनल बड़ी कंपनी का दिखाने वाला हूँ, मतलब कोई लोकल या ऐसे फेक नहीं दिखाने वाला, ठीक है। और ऐड आप देख कहाँ से सकते हैं वो भी, अब ये देखें ना ज़्यादा एड्स वीडियोस के चल रहे हैं, ये अभी ट्रेंड शुरू हुआ है, पहले ज़्यादा इमेजेस चलता था, लेकिन फिर भी डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी क्या है, होस्टिंग कंपनियाँ कुछ इमेजेस चला रही हैं कुछ, अब ये देखें ये एक सिंपल सा इमेज और ये टेक्स्ट है, और
और यहाँ से ये इमेज चल रहा है, लेकिन ये कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं है, अच्छा नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो ये देखें, ये कैनवुड का चल रहा है, जो कंपनी है इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की, शॉप नो पे जा रहा है, और ये भी ट्रैफिक ऐड है, ये देखें, ये इनकी वेबसाइट के ऊपर जा रहा है, ठीक है, जहाँ से लोग इनके फ्रिज वगैरह चीज़ें वगैरह परचेज कर सकते हैं, टारगेट ऑडियंस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम इमेज ऐड की, ये देखें, हम ट्यूब बॉडी भी चला रहा है, तो ये वीडियो ऐड है, तो वीडियो थोड़ा सा, अब ये होस्टिंग कंपनियाँ जो हैं, ये देखें, ये पाकिस्तानी कंपनी है, ये चला रही है, इमेज ऐड चला रही है। तो मज़ीद दो से तीन चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इमेज अगर आप लगाना चाह रहे हैं कोई भी, तो इमेज के अंदर क्लियर मैसेज दें, नंबर वन। नंबर टू कि आपका, ये देखें, इस तरह का होना चाहिए, जो मेन होना चाहिए ऑडियंस को दिखाने के लिए जो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बिज़नेस पेज क्लियर, मैं जितनी डिस्क्रिप्शन सारी चीज़ें हैं वो क्लियर होनी चाहिए, और सबसे बढ़कर टारगेट ऑडियंस, डिटेल टारगेटिंग, ये चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, डेथ के साथ सीखें। नील पटेल की बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, उसके अलावा आर्टिकल्स उसके बहुत अच्छे हैं, वहाँ से आप स्टडी करें और इसको एक्सपेरिमेंट को करके प्रैक्टिकली आप इससे फ़ायदा उठाएँ। आई होप के वीडियो आपको अच्छी लगे, और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू वेरी मच। मूड खराब कर छोड़ेंगे।